ए व्हाट्स अप, कैसे हो आप सर? मैं हूँ मदन सर, और मैं आज के इस वीडियो में आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर का अगला टॉपिक डिस्कस करूँगा। एंड दैट टॉपिक इज एक्चुअली हाउ अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड। तो इफ यू रिमेंबर, यू नो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस वन ऑफ द मेथड एंड इट्स कॉल्ड एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एंड दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सर्टेन मैकेनिज्म थ्रू विच यू कैन प्रिपेयर दैट। तो आज जो वीडियो है उसमें एक्चुअली मैं आपको अल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में जो बाकी मेथड है एज पर योर एनसीईआरटी बुक उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिनके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। और जो पहला मेथड है दैट इज बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और बाय द रिडक्शन ऑफ एस्टर। रिडक्शन का सिंपल मतलब क्या है? हाइड्रोजन का ऐड होना। मैं मैकेनिज्म में आपको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि अगर मैकेनिज्म हर रिएक्शन का बताऊंगा बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, फिर आप कहोगे वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया। तो मेरी कोशिश है कि आप जल्दी जल्दी इसको समझो और दिमाग में रखो। तो पहले हम लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का एक कॉमन फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हो, वो है ये। तो जब आप एक एल्डिहाइड को यू नो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मे बी पैलेडियम, प्लैटिनम और समथिंग, तो ये रिड्यूस होकर के आपका जो है ये अल्कोहल प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? अल्कोहल। और बाकी ये हाइड्रोजन, यानी दो हाइड्रोजन क्या हो गया आपको, ऐड हो गया। चलो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो आपका जो अल्कोहल होगा वो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो ये ध्यान रखना कि ये जो अल्कोहल होगा हमेशा क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो यानी एल्डिहाइड से हमेशा क्या मिलता है, ये ध्यान रखना, ये कन्वर्जन में यूज होगा बहुत, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनाने का तरीका है। चलो अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जिसमें हम कीटोन की बात करेंगे। अब कीटोन में क्या है, अच्छी तरह से जानते हो आप, ये है हमारा कीटोन। अब आप कीटोन को जब आप यू नो रिडक्शन करोगे, यानी आप कीटोन को भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो इस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो टर्मिनल पे होता है। तो टर्मिनल पे होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी ज्यादा होने से हमें कोई कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेना पड़ता। लेकिन कीटोन क्या है, ये सिमेट्रिकल है। कीटोन कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो एक सिमेट्रिकल कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और बहुत ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि स्ट्रांग होगा। तो ये रिएक्शन को करने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज होता है, वो है सोडियम बोरोहाइड्रेट, NaBH4। ठीक है, तो अब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान रखना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट। दोबारा से बता रहा हूं, बिकॉज कीटोन इज सिमेट्रिकल, मोर स्टेबल, सो इट रिक्वायर यू नो विग्रस कंडीशन, एंड वन सच विग्रस कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इन केस ऑफ एल्डिहाइड कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर जब ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आएगा तो अब आपको अल्कोहल मिलेगा। बट ये अल्कोहल अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होगे तो अब आपको अल्कोहल जो मिलेगा वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल, यानी ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, याद रखना OH वहीं पे जुड़ेगा जहां पे ये ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या है कि कीटोन से आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, आपको ध्यान रखने के लिए क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये था हमारा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन, और दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने बताया। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू वाइप दिस ऑफ। सो अब जैसा हमें बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ये चीज है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है सिचुएशन कि इसको भी रिड्यूस करने के लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, यानी इसको भी हाइड्रोजन का सोर्स चाहिए, पर वो सोर्स क्या होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसके लिए यूज किया जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके लिए क्या यूज किया जाता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है इसकी एक प्रॉब्लम है, ये जो रिएजेंट है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो बहुत एक्सपेंसिव होने की वजह से इस का यूज ज्यादा नहीं किया जाता। ठीक है, पर इसको भी यूज करके आप हाई ग्रेड अल्कोहल बना सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो अल्कोहल जो अमीरों के लिए है, और जो बेचारे गरीब लोग हैं शायद वो सिंपल मेथड से बने हुए अल्कोहल को पीते होंगे या मेडिसिन में यूज होता होगा, बिकॉज दे आर एवरीथिंग यू नो ऑन अ ऑन अ प्रो लेवल एंड ऑन अ यू नो सिंपल लेवल, बेसिक लेवल। तो आप ये कह लो कि इससे जो अल्कोहल बनेगा वो रिच लोगों का अल्कोहल है, तो वो अल्कोहल है क्या? ऑफ कोर्स ये आपका बन जाएगा RCOH।
ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन आपके पास ऐड हो गया, इसीलिए इसको हम इसको भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने बता दिया कि ये तो रिएजेंट जो काफी महंगा है और इससे सिर्फ यू नो हाई ग्रेड एल्कोहल बनाया जाता है, ये जो एल्कोहल बनेगा वो हाई ग्रेड एल्कोहल होगा, हाई ग्रेड एल्कोहल। तो अगर ये हाई ग्रेड एल्कोहल है तो भाई बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा होगा तो फिर सबके लिए यूजफुल नहीं होगा, ना तो दवाइयां सस्ती होंगी ना शायद वॉट एवर। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि इसका सस्ता उपाय क्या है, तो दूसरा सिंपल हमारा सस्ता उपाय है कि आप क्या करते हो, आप करते हो यू नो रिडक्शन ऑफ एस्टर, प्लीज ध्यान रखना रिडक्शन ऑफ एस्टर करते हो। तो जब आप रिडक्शन ऑफ एस्टर करते हो तो आपका ये रिएजेंट यूज नहीं होता और तब आपका ये प्रोसेस क्या होता है, आसान हो जाता है। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि एस्टर बनता है कैसे, बहुत पुराना रिएक्शन है, मे बी सबको याद होगा। एस्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिएक्ट करवाओगे अल्कोहल के साथ, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, उम्मीद करता हूँ याद होगा। और इस रिएक्शन को करने के लिए हाइड्रोजन आयन यूज होता है, थोड़ा सा एसिड यूज होता है। फिर क्या होता है कि ये जो आपके पास ये ध्यान रखना कि ये बन जाएगा RCOOR, यानी यहां से R निकलकर इस OH की जगह पर, सॉरी यहां से R निकलकर इस H की जगह पे ले लेगा। कैसे, देखो जब ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव चला गया पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव चला गया नेगेटिव के साथ, तो आपका बन गया एस्टर। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और फिर से क्या बन गया आर, और दूसरा जो बाई प्रोडक्ट बना आपका क्या है, वाटर बना। तो ये आपने बना लिया क्या, एस्टर। ठीक है, अब क्या करोगे आप, एस्टर का रिडक्शन कर लो। अब यहां पे ध्यान देना है, एस्टर का क्या करना है आपको, रिडक्शन, यानी जब आप एस्टर का रिडक्शन करोगे तो रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड करोगे, हाइड्रोजन को ऐड करना होता है। तो जब आप एस्टर का रिडक्शन करोगे तब आपको याद रखना है, यहां पे ध्यान से देखना, ये जब ये बॉन्ड टूटेगा, रिमेंबर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला भी एक अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और ये वाला, ये दोनों अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ध्यान से देख लेना। एस्टर का जब रिडक्शन करते हैं तो दो मॉलिक्यूल हो सकता है डिफरेंट हो सकता है सेम हो, तो आपको एक तो मिल गया ये वाला आर सी यू नो ओ एच, ठीक है, और दूसरा एक और आपको मिल गया वो है आर ओ एच, समझ में आया। तो ये है सस्ता वाला तरीका, ये वाला हमारा बहुत ही महंगा वाला तरीका। एक बार फिर से देखना आप, ये है क्या, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत ही महंगे रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। हाँ, इसमें एक चीज भूल गया, इस रिएक्शन में पहली बात, पहले आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है और दूसरा इसमें वाटर को यूज करना होता है ये रिएक्शन करने के लिए। तो ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा होता है, फिर उसके बाद आपको एल्कोहल मिलता है। बड़ी हाई ग्रेड एल्कोहल है तो एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि मैंने क्या बोला इसके बारे में, ये एक्सपेंसिव रिएजेंट है, बहुत ही महंगा है, एक्सपेंसिव रिएजेंट। ठीक है भाई, तो आपको सोचते हैं सस्ता वाला क्या है, सस्ता ये है, देखो हमने एसिड लिया, मान लो विनेगर ले लिया, मान लो इथेनॉल ले लिया, एस्टर बन गया, एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो हमें बहुत सारा एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, ये बन गया एल्कोहल। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये क्या था। चलो ओके, सो विद दैट यू नो आई कम टू एन कम टू द एंड ऑफ दिस यू नो पर्टिकुलर टॉपिक। मैंने अल्कोहल की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर दिया है, अगले टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में। राइट, सो आई हैव टू यू नो एंड दिस राइट हियर, एंड आई वुड से यू नो आई होप यू हैव नॉट ओनली अंडरस्टैंड, यू एंजॉयड इट वेरी थर्डली एंड यू गोइंग टू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट डू लेट मी नो हाउ गुड और बैड दिस वाज।